जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद यूनस और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इस वक्त जो आप ये बछड़ी देख रहे हैं, इस वक्त जो इसकी उम्र है वो तकरीबन 6 महीने है। 6 महीने से 2-4 दिन कम भी हो सकती है। तो अगर इसकी जो उम्र है तकरीबन 6 महीने और अगर इसका हम बॉडी वेट देखें तो ये दोनों आपस में मैच नहीं होते। और अगर इसके जो जिस्म के ऊपर बाल हैं वो भी देखें तो बहुत बड़े बड़े बाल हैं। मतलब ये अपनी उम्र के मुताबिक सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही। अभी हम आपको दिखाते हैं इसके टैब की, टैग के नीचे जो है इसकी डेट भी लिखी हुई है। ये देखें, ये 922 जो है बटे में, ये इसकी बर्थ डेट है। ये खाती पीती बिल्कुल ठीक है लेकिन ग्रोथ नहीं कर रही। तो फिर हमने इसका यही सोचा है कि इसका जो स्टोमक है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। मतलब जो इनटेक तो ठीक है लेकिन जो रिम्यूनल इसके माइक्रोब्स हैं वो सही तरीके से इसकी फीड को डाइजेस्ट नहीं कर रहे। तो फिर इसके रूमेन का हमने एक सोल्यूशन सोचा है। तो वो ये है कि जो दूसरे बड़े जानवर हैं, नॉर्मल जानवर, उनके मैदे में से जो कुछ उतरा है वो निकाल के इसको पिलाया जाए, इसमें कुछ पानी भी होगा। तो ये हमारे फार्म पे एक बुल था, उसके मुंह से हमने वो कुतरा निकालने की कोशिश की है। ये बुल जो आप देख रहे हैं, ये जो स्टमक ट्यूब हम इसको पास कर रहे हैं, इसको हमने पहले आयल लगाया ताकि ये लुब्रिकेट हो जाए और मुंह में आसानी से गुजर जाए। ये ट्यूब जो है स्टोमक में पास करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये क्या स्टोमक में ही गई है, ना कि ये फेफड़ों वाली साइड पे चली जाए। तो जो हमें स्टोमक से जो है इसका कुतरा निकालना है वो ज़्यादा नहीं, बस 200-250 ml हो वो काफ़ी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसके मैदे में से जो है वो कुतरा निकल आया है। ये हमने ज़्यादा नहीं निकालना, बस 200-250-300 ml हो जाए तो ये बहुत है, क्योंकि इसके स्टमक में से जो निकालेंगे इसमें सारे माइक्रोब्स भी शामिल होंगे, बैक्टीरियाज भी शामिल होंगे। क्योंकि जो हमारी वो बछड़ी है जो हमने आपको पहले दिखाई है उसकी जो ग्रोथ नहीं हो रही, तो हमने यही सस्पेक्ट किया है कि जो उसका स्टमक है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, जो उसमें माइक्रोब्स हैं वो सही तरीके से खुराक को हजम नहीं कर रहे। तो इसलिए हमने ऐसे एनिमल का जो है कुतरा निकाला है जो बिल्कुल हेल्दी हो, जिसका स्टमक जो है सही तरीके से काम कर रहा हो। तो ये अब हमने इसके स्टमक में से ये थोड़ा सा जो है ये कुतरा निकाला है। अब ये कुतरा जो है हम उस बछड़ी को ड्रेंच करवाएंगे ताकि ये उसके स्टमक में जाए। इस कुतरे में हमने थोड़ी सी जो है ये यीस्ट शामिल कर दी है, ये तकरीबन कोई 10 ग्राम थी, ये लाइव यीस्ट है। ये हमने अच्छी तरह मिक्स की है। क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा है जो हमने स्टोमक से निकाला ये रूमेन लिक्वर, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा डिल्यूट हो जाए और आसानी से ये पिलाया जा सके। ये पानी डाल के, यीस्ट डाल के इसको हमने अच्छी तरह है मिक्स किया ताकि जो यीस्ट है वो भी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद हमने इसको अगर वैसे गौर से देखा जाए तो इसको 2 पोर्शन बनते हैं, एक में जिसमें थोड़ा सा कुतरा शामिल होगा और दूसरा जो इसका पानी। तो हमने ये कोशिश की है कि जो पानी है पहले वो पिलाया जाए
तो इस प्लास्टिक वाली सुरंज से जो हमने इसको जितना सुरंज के जरिए पानी आ सकता था वो हमने ड्रिंच करवा दिया, क्योंकि ये जो मिक्सचर बना हुआ है इसमें जो खुराक कतरे शामिल हैं वो कतरे जो हैं इस सिरिंज में नहीं गुजर सकते। तो जितना जो पानी है वो हम इस सिरिंज के जरिए पिला देंगे जानवर को। ये वही बछड़ी है, हमने वही पकड़ी हुई बछड़ी, उसी को जो है वो हम जो मिक्सचर बनाया था उसका जो लिक्विड पोर्शन है वो ड्रिंच करवा रहे हैं। तो इसमें से जो है ये पानी की दो सुरंजें बनी हैं। ये दोनों सुरंजें जो है हम इसको पानी की पिला देते हैं और नीचे जो इसमें खुराक के टुकड़े हैं उसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल होगा। तो वो जो है हम ये छोटी सी जो है नाड़, ड्रिंचिंग नाड़ जो खास तौर पर जानवरों में इस्तेमाल होती है, ये छोटी है, ये बकरियों वगैरह में भी इस्तेमाल हो सकती है। तो जो खुराक के कुछ टुकड़े रह गए थे और पानी रह गया था तो वो हम मिक्स करके इसके ज़रिए पिला रहे हैं। तो इस तरह के जो ये ट्रायल्स हैं इनका रिजल्ट आने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं, बाद को तो महीना भी लग जाता है। तो इंशाल्लाह जो इसके रिजल्ट्स आते हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे।